नमस्ते, मैं उषा नहार, उषा नहार किचन से। आज मंगलूर बज्जी, इसको मैसूर बज्जी भी बोलते हैं और गोली बज्जी भी बोलते हैं, इसको उषा नहार किचन से आज बनाने जा रही हूँ। मंगलूर बज्जी या गोली बज्जी के लिए जो चाहिए इंग्रेडिएंट्स, मैंने ए माप का 2 कटोरी भर के मैदा लिया हुआ है। आप आटा में भी बना सकते हैं, आटा से मैदा निकाल के भी बना सकते हैं, लेकिन मैदे से बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। ये 3/4 कटोरी मैंने इसका ये दही लिया हुआ है। खट्टा रहे तो थोड़ा कम डाल सकते हो, नहीं खट्टा रहे तो पूरा भी डाल सकते हो। ये 2 टेबलस्पून चावल का आटा लिया हुआ है। चावल का आटा हर वड़ा में रहें दो, बज्जी में रहें दो, इम्पॉर्टेंट है, इससे थोड़ा क्रिस्पीनेस आता है। ये बेसन है 1.5 टेबलस्पून। कोई कितने जने टेबल स्पून ये नहीं डालते हैं बेसन, लेकिन इससे थोड़ा वड़ा का सुगंध आता है, इसलिए। ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता को अपने को ऐसे हाथ से तोड़ना है तो इसका सुगंध बहुत अच्छा रहता है। ये कोतमरी मतलब धनिया एकदम बारीक कटा हुआ, ये 1/2 टेबल स्पून जीरा है। मैंने 10 मिर्ची, हरी मिर्ची मैंने 10 छोटी छोटी कट की है, जितने आप चाहिए उतने ले सकते हो। ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा मैंने 1/2 टीस्पून से लिया हुआ है। आप खाली इडली का सोडा रहता तो थोड़ा आप ज्यादा डालना चाहिए, बेकिंग सोडा बहुत स्ट्रांग रहता है, तो थोड़ा कम लिया हुआ है। ये 1/2 टेबलस्पून शक्कर है, ये 1/2 टेबलस्पून नमक। नमक तो आप पहले बाद में वो बैटर बनाएंगे तो आप देख लेना, ज्यादा कम चाहिए तो आप डाल देना। ये 3 पिंच हींग है, हींग भी कभी कभी स्ट्रांग आती है, कभी नहीं स्ट्रांग आती है, मेरी मीडियम है तो मैंने 3 पिंच लिया हुआ है। ये थोड़ा अदरक किसा हुआ है। ये काली मिर्ची है, काली मिर्ची भी कितने जने इसमें पूरी पूरी डालते हैं, कितना जन आधा करते हैं, मैं तो थोड़ा पाउडर ही करती हूँ, क्योंकि मुंह में आने से ये बाहर बच्चे सब बाहर निकाल देते हैं, बड़े भी बाहर निकाल देते हैं, तो एकदम पाउडर करके डालेंगे तो अपने हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। ये नारियल है, गीला नारियल जो चटनी में लगाते हैं डालते हैं ना, वो मैंने एकदम बारीक किसा हुआ है। ये थोड़ा गर्म तेल किया हुआ है और गर्म पानी। अभी ये सारे जो भी इंग्रेडिएंट मैंने बोले हैं, ये सारे यहाँ जो दिखते हैं वो सब बाउल में डालना है और अपने को बैटर बनाना है। बैटर 1-2 आवर्स रहता है तो बहुत एकदम फुला फुला अच्छा रहता है। आप तभी तभी बनाए तो थोड़ा बेकिंग सोडा ज्यादा डालना है। इसमें डाले ना, इसको अच्छे से पूरा मिलाना है। अभी ये इंग्रेडिएंट सब मिलाया ना, इसमें अपने को ये गर्म पानी मिलाना है और थोड़ा गट्टी गट्टी लगाना है हीट को इसको, क्योंकि वड़ा फिर गोल नहीं बैठता है, तो थोड़ा बैटर को थोड़ा एकदम टाइट ही चाहिए। देखिए ये कंसिस्टेंसी ऐसी चाहिए, इसे गोली बज्जी बोलते हैं ना, तो इसके एकदम राउंड से गिरेगा जब अपने फ्राई करेंगे। और अभी भी आप बना सकते हैं, इसमें थोड़ा और सोडा, बेकिंग सोडा थोड़ा 1-2 चिट्टी डालना पड़ेगा, तो इमिडियट बना सके हो, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ज्यादा सोडा खाने का। तो आपने 1 आवर 2 आवर्स ऐसे ही इसको ढक्कन लगा के रख देते हैं। देखिए बैटर अभी 2 आवर्स मैंने रख दिया था ना, अभी हम इसको गोली बज्जी या मंगलूर बज्जी इस कढ़ाई में हम फ्राई करेंगे। अभी जो अपना बैटर था ना, इसको अच्छे से ऐसे एक ही साइड में ऐसे मिलाना है पूरा। देखो ऐसे जाली 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 जैसे, देखिए ऐसे ऐसे मिलाना है आपको। देखिए मैंने गैस स्टोव को लगा के अभी उसके ऊपर ये बज्जी को फ्राई करने के लिए तेल रखा है।
इसको ऐसे एकदम देखिए ऐसे पानी में राउंड से लेना, तेल एकदम गरम चाहिए, ऐसे लीजिए आप। ऐसे पानी में हाथ लगाने से ज्यादा ये चिपकेगा नहीं आटा, इसे गोल कीजिए। इसको कभी हाई फ्लेम कभी सिम में आप टूटा फूटा करना है, इसको गोल गोल रहता है ना तो सब बाजू ये बरोबर सिकता नहीं है, बरोबर फ्राई नहीं होता, इसलिए आपको इसको ऐसे पलटते ही रहना है। इसमें खासियत क्या है, ऊपर एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी रहता है, अंदर एकदम स्पांजी स्पांजी रहता है, तो इसको थोड़ा बड़ा बड़ा ही निकालना है, तो अंदर का स्पांजी बहुत अच्छा खाने में अच्छा लगता है। कितना अच्छा कलर एकदम डार्क ब्राउन हुआ है ना, ऐसा कलर आपको निकालना है, नहीं तो अंदर से ऊपर से सब कच्चा कच्चा लगेगा। देखिए जैसे एक जाली लेके आप जैसे निकालिए तो तेल सब नीचे चला जाएगा और वड़ा ऊपर है। देखिए गरम गरम मंगलूर बज्जी या गोली बज्जी अभी निकाला है मैंने, ये आपको बारिश के सीजन में ठंडी के सीजन में खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। इसको आप देखिए अंदर स्पंजी स्पंजी एकदम, ऊपर एकदम क्रिस्पी रहता है, खाने के लिए बहुत टेस्टी होता है। आप इस चटनी के साथ जो नारियल और मैंने पुटाने की चटनी बनाई थी ना उसके साथ आप ये खा सकते हैं। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।